नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन नेशन और मैं हूं आपके साथ मेघा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का गुजरात में रोड शो होने वाला है। आम आदमी पार्टी के इन दोनों नेताओं की राज्य की दो दिवसीय यात्रा का ये हिस्सा होने वाला है। पंजाब में जीत के बाद आम आदमी पार्टी गुजरात में अपने लिए सियासी जमीन तलाशने में जुट चुकी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पहले बयान और आज के उठाए गए कदम आपस में मेल नहीं खा रहे हैं और इसी को लेकर वो कांग्रेस के भाजपा के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने एक बयान में कहा था कि दिल्ली के दफ्तरों में अब हम अंबेडकर और भगत सिंह की फोटो लगाएंगे। अब उन्हीं अरविंद केजरीवाल को गुजरात में गांधी की याद आ गई है। तस्वीरों को आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख रहे हैं। गुजरात रोड शो से पहले भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल दोनों साबरमती गांधी आश्रम पहुंचे, यहां पर चरखा चलाया और पूरी तरह से गांधीगिरी की एक नई नीति को अपनाते हुए अरविंद केजरीवाल यहां नजर आए हैं। आपको बता दें, जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के रोड शो को लेकर आप कार्यकर्ताओं के बीच गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं अब ट्विटर पर लोग याद दिला रहे हैं कि किस तरह भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीर लगाने का ऐलान करने वाले केजरीवाल आज गांधी जी का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसके साथ ही आपको बता दें, आम आदमी पार्टी गुजरात में छोटे दलों के साथ गठबंधन को लेकर भी काफी चर्चा में है। बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने के लिए भगवंत मान और केजरीवाल पहुंचे। महात्मा गांधी का चरखा अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान लगाया। भगवंत मान तारीफ करते हुए नजर आए साबरमती आश्रम की। अरविंद केजरीवाल जनता के बीच विजिटर बुक में अपना संदेश लिखते हुए नजर आए। कहते हैं कि इस आश्रम में आकर लगता है कि गांधी जी की आत्मा यहां रहती है। गांधी के नाम पर गुजरात का दिल जीतने में केजरीवाल कितना कामयाब होते हैं, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।